आज के इस वीडियो में हम श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी पेशेंट के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, निश्चित समय में निश्चित भार के श्वसनाधार द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रयुक्त ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को आर क्यू रेस्पिरेटरी पेशेंट श्वसन गुणांक कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल टू मुक्त CO2 का आयतन बटा प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। श्वसन गुणांक का मान श्वसन में प्रयुक्त श्वसनाधार की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसे गैनोंग रेस्पिरोमीटर के द्वारा नापा भी जा सकता है। श्वसन गुणांक के मान से हमें श्वसनाधार एवं श्वसन के प्रकार का मालूम चलता है, ज्ञात हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो श्वसन गुणांक का मान इकाई एक होता है, लेकिन जब श्वसनाधार प्रोटीन और वसा हो तो श्वसन गुणांक का मान इकाई से कम 0.5 से 0.9 होता है। जब श्वसनाधार कार्बनिक अम्ल होता है तो श्वसन गुणांक का मान इकाई से अधिक 1.3 से 4 तक देखा गया है। रसदार पादपों में जैसे नागफनी ग्राइफिल्म में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, इसलिए श्वसन गुणांक शून्य जीरो होता है। विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण श्वसन गुणांकों का वर्गीकरण भी देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर क्यू का मान एक होता है जब कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं। उपरोक्त क्रिया सामान्य रूप से श्वसन रत पादप कोशिकाओं में मौजूद है। दूसरा, वसा। वसा एवं प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसके पूर्ण विघटन में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लग जाती है। इस कारण आर क्यू के मान भी एक से कम होते हैं। तीसरा, कार्बनिक अम्ल। कुछ पादप विशेष परिस्थितियों में कार्बनिक अम्लों का श्वसन आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बनिक अम्लों में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन अधिक होती है, अतः इनके पूर्ण ऑक्सीकरण में कम ऑक्सीजन प्रयुक्त होगी। यही कारण है कि कार्बनिक अम्लों युक्त पादपों में आर क्यू का मान एक से अधिक होता है। बीजों का अंकुरण। अंकुरण के समय कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। इस स्थिति में आर क्यू का मान वास्तविक मान से कम होता है। फलों का पकना, मैच्यूरेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कोशिका के उपापचय अभिक्रियाओं में कभी कभी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए वहाँ कम मात्रा में वातावरणीय ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। यह स्थिति फलों के परिपक्वन के समय प्रस्तुत होती है जब कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित होते हैं। उपरोक्त स्थिति में आर क्यू का मान वास्तविक मान से अधिक होता है। यदि वातावरणीय ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती एवं मुक्त ऑक्सीजन पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाती है, तब इसी स्थिति में आर क्यू का मान अनंत होता है। अब आईवी श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की स्थिति में देखिए, इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, यहाँ आर क्यू का मान अनंत होता है। आगे, क्रेसुलेशियन पादप। इन पादपों में रात्रि के समय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कार्बनिक अम्ल बनता है, यहाँ ऑक्सीजन प्रयुक्त होती तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, इसलिए आर क्यू का मान शून्य होता है। तो ये श्वसनाधार के आधार पर विभिन्न प्रकार के इकाई संख्या में जो रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं श्वसन गुणांक। तो अंतर क्यों है श्वसन गुणांक में? क्योंकि श्वसनाधार सबस्ट्रेट अलग अलग है, रासायनिक रूप से अलग अलग है। तो ये था आज का टॉपिक, श्वसन गुणांक। थैंक यू।